हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। राक्षस जल्दी प्रकट होखा, प्रकट होखा, प्रकट होखा, प्रकट होखा, प्रकट होखा। तो आ गई ला मायावी। हाँ सुरेश्वर, आप हमके काहे स्मरण कली? ए बार तो के खाली एगो नवजात शिशु के हरण करे के बाद। अब हम द्वारिकाधीश के पहुँच से दूर आई, अब हम के केहू ना पकड़ सकेला। रुक जा केशव, ये छोट सा काम हम के कर ले बेदा केशव। क्या बा महाराज? प्रलयासुर, तो द्वारिका जा और वासुदेव कृष्ण के बेटा के हरण करके हमरा पास ले आवा। जाओ ना क्या सुरेश्वर। Ha 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 ha!
अरे के हो बा? वासुदेव देखी हमार बेटा के कमनो राक्षस उठा के ले जा रहल बा। दाओ भैया, दाओ भैया, हमार प्रद्युम्न के ले जा रहल बा। प्रद्युम्न के? हमार प्रद्युम्न के ले जा रहल बा। दीदी कहाँ भइल दीदी? कहाँ भइल? वो राक्षस प्रद्युम्न के उठा के ले जा रहल बा। अरे हमार लड़का, हमार बच्चा। दीदी दीदी ये का हो गइल? क्या मंदी, क्या मंदी? ऊ देख राक्षस हमार लड़का के ले जा रहल बा। द्वारकाधीश बचाव। रुक जाओ दोस्त, रुक जाओ। हट जो हमार रास्ता से, ना तो हमार पैर के नीचे आ गई ले तो धरती में धस जाइबे, धरती में। अरे दुष्ट दानव, छोड़ दे हमार प्रद्युम्न के, छोड़ दे, ना तो हम तोके जीवित ना छोड़ब। तुहार भलाई ये मह कि तू रुक जो, तू हम के रुक बे। हाँ हम रुकब तोके, हम रुक जो दुष्ट, रुक जो, हम के क्रोध मत दियाओ। यदि हम के क्रोध आ गई तो तोहार जीवन संकट में आ जाई। अरे मूर्ख मानव, तू ए दानव के मृत्यु से डेरा बता रे, मृत्यु तो हमार दासी है, दासी। अरे दुष्ट घमंडी दानव, लागता तो के अपन बल पर बहुत घमंड बा। हा? हम तो के आखिरी चेतावनी दे रहा है, हमार लड़का हमरा हवाले कर दे। लड़का तो हम तो के ना दे, यदि तोहरा में साहस बा तो आके लड़का के छीन ले। लगता तू ऐसे न मन बे तो के मजा चखावे के ही होई। अरे तू का हम के मजा चखाई बे, हम तो के ही मिटा दे थाई। अपन प्रद्युम्न बच गई, सब ठीक हो जाई। दीदी देखा, सब ठीक हो गई है। दीदी सब ठीक हो गई है, देखी देखी दीदी, अपन प्रद्युम्न बच गई है। दीदी दीदी होश में आवा। Oh!
असंभव असंभव असंभव। तू का कहता रू मायावती, तू गोला लोग हमार दूसर मायावी राक्षस के भी नाश कर देलन, हम उ लोग के जीवित ना छोड़ब। का दैत्यराज, आप अपन क्रोध ई निर्जीव वस्तुओं पर नष्ट कर रहल हैं। तका करी मायावती, हमार क्रोध के ज्वालामुखी फटल जा रहल बा, हम क्रोध के अग्नि में जरत हैं। यदि हम अपन क्रोध के ऊपर ना उतारी तो हम पागल हो जाए पागल। कोहला शत्रु सब हमार दू दू गो मायावी राक्षसन के नाश कर देलास। हाँ, नाश कर देलास। हमरा से बहुत बड़ भूल हो गई लहनाथ, हम कृष्ण जैसन शत्रु के इतना तुच्छ समझ ले ली कि ओकर सीना से ओकर करेजा निकाल लावे खातिर आपन दू गो साधारण राक्षसन के दाव पर लगा देली। मायावती, तू साधारण राक्षस न रहन, तू हमार सबसे शक्तिमान और मायावी राक्षस रहन। जिनका शत्रु लोग चिटियन के लेखा मसल डरलन। मायावती नाथ, अब समझे की कोशिश करी कि आपके सबसे शक्तिशाली विशाल और विराट राक्षस भी कृष्ण के बराबरी ना कर सकेला। बाकी का है मायावती? ऐसे कि आपके सगरे राक्षस आपके दास बाड़न और दास कबो स्वामी के बराबरी ना कर सकेलन। मतलब ई कि आपन बेटा के मृत्यु के जे घाव आपके हृदय पर लागल है, जैसे आप बुरा तरह तड़प रहल हैं, उ तड़प और तड़पन के उ शक्ति कौनो भी दास राक्षस में ना हो सकेला, चाहे वो कितना ही शक्तिमान काहे ना होखे। पुत्र वियोग के एक घाव के कारण आपके क्रोध के अनंत शक्ति प्राप्त भइल है, और आप हैं नाथ के शक्ति के इन निर्जीव वस्तुन पर नष्ट कर रहल हैं। हम का करती मायावती? मायावी और प्रलयासुर के हत्या करके ग्वाला सब हमार क्रोध के अग्नि कुंड में घी छिड़के के काम कैले बा, जैसे हमार क्रोध और भी बढ़ गइल बा। मतलब आपके शक्ति और भी बढ़ गइल है, इस शक्ति के दुरुपयोग मत करी, आपन क्रोध के सही दिशा दी ही। ए राजमहल से बाहर निकली महाराज, काहे कि बुद्धिमान शत्रु स्वयं चल के चरणन में ना आवेलन, सांप के मारे खातिर ओकर बिल में हाथ डाले के पड़ेला। तो ठीक कहता रो मायावती, आज तू हमार क्रोध के सही दिशा दिले हो। कृष्ण जैसन मायावी शत्रु के सामना हमार मायावी दानव ना कर सकेलन। अब हम स्वयं शत्रु के राजमहल में घुस के ओकर बेटा के हरण कराब, और तोहरा सामने यादवन के कुल दीपक के बुझा दे। नारायण 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 नारायण। देवीरती, आज आप अनायास प्रसन्न हो रहल हैं, आपके उदास मन में अचानक प्रसन्नता के फूल कैसे खिल गईल? खुशी के ही तो बात है। ओ देखी देवऋषि, देख रहल है ना ओ समरासुर के? बहुत नादान है, भगवान श्री कृष्ण से फिर से टक्कर लेबे जा रहल है, आपन बेटा खोके भी अक्कल ना आईल। मायावी राक्षस और प्रलयासुर के मृत्यु के बाद भी
साहस खत्म ना भइल ओकर। और अब स्वयं प्रद्युम्न के हरण के मूर्खता प्रदर्शित करे जा रहल हा। बाकी ओकरा भी द्वारिका से मुंह के खाके उल्टे पैर ही लौटे के पड़ी। नारायण नारायण, देवी रति, शंबरासुर के मायावी और देवी शक्ति से आप भली भांति परिचित नहीं थी। सैकड़ों राक्षस और दानवन के मृत्यु के बाद ऐसा भयंकर राक्षस के जन्म होखेला, आप होकर मायावी शक्ति के कम मत समझी। ऐसा मायावी शक्ति तो मायावी राक्षस प्रलयासुर के पास भी रहे मुनिवर, ओकर अंत तो आप देख ही चुकल है, कैसे चीटी के लेखा कुचल और मसल दिहल गई रहे। नारायण, ऐसे कि उन दोनों के पास दिव्यास्त्र के उस शक्ति न रहे जे असुर राज शंबरासुर के पास है। दिव्यास्त्र शंबरासुर के पास? दिव्यास्त्र की शक्ति है? कहवा से मिला ली शक्ति? कैसे प्राप्त भई ली अस्त्र? के दिहल सी वरदान? नारायण नारायण, बतावत है देवी बतावत है। आप व्याकुल होके एगो प्रश्न में कई गो प्रश्न पूछ रहल है। जल्दी बताई मुनिवर, जल्दी बताई। ऊ अस्त्र है मुग्धर। मुग्धर? हाँ देवी, मुग्धर जे युद्ध भूमि में अपन शत्रुअन पर काल दंड के लेखा प्रहार करेला। एक बार शंबरासुर माई पार्वती के प्रसन्न करे खातिर और वर प्राप्त करे खातिर कई बरिस तक कठोर तपस्या कैलस, और अंत में आपन तपस्या में लीन होके जब वो अपन माथा माई पार्वती के चरण में बलि स्वरूप अर्पित कैलस, तब माई ओकर तपस्या और श्रद्धा के फल स्वरूप प्रकट होके ओकरा के ई वरदान प्रदान कैली। माई प्रकट होई, प्रकट होई माई, प्रकट होई, दर्शन दिही माई, दर्शन दिही माई, हमके दर्शन दिही माई, हमके दर्शन दिही माई, हमके दर्शन दिही। रुक जा बेटा, रुक जा। प्रणाम माई। आयुष्मान भव। माई, यदि आप हमके आयुष्मान होके के आशीर्वाद दे रहल हैं, तो हमके ऐसन वरदान दें जैसे जब तक हम जीवित रहें सर्वशक्तिमान होके रहें, दुर्बल होके यदि लंबा उम्र पा भी जाएं तो ओकर का लाभ। मांगो बेटा, तू वरदान में का चाहेला, कौन सा शक्ति चाहेला? माई, यदि आप हमके हमारी इच्छा अनुसार ही वरदान दे रहल हैं, तो हमके वो मुग्धर दिहीं जेकर प्रयोग से दानवन के युद्ध में आप शुंभ और निशुंभ के वध कैले रहीं। ओ, तो तू काल दंड के वरदान चाहता र? ठीक है बेटा, हम तो के तोहर इच्छा अनुसार आपन मुद्गर प्रदान करत हैं। एक काल दंड के प्रयोग जेकरा पर करब, उ चाहे जितना भी शक्तिशाली होखे, एकर वार से जीवित ना रह सकी। तथास्तु। बहुत बहुत धन्यवाद माई, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद उकरा हमार माया के बारे में मालूम नहीं खे।
शमरासुर के त्रिलोक के कड़ा से कड़ा पहरा भी न रोक सकेला। हमारे राजा, अरे राजकुमार अब तो सुत जा। हमारे राजकुमार ये तरह से ना सुती। अच्छा तो फिर ही कैसे सुती है? एक रात तो वासुदेव के मुरली सुन के सुते के आदत है। हाँ बाकी वासुदेव ए समय कहवा मुरली बजावत है? वासुदेव स्वयं मुरली नहीं खन बजावत तका भाई, बाकी प्रद्युम्न के माई लोग लोरी सुना के तो ओकरा सुता सकत है। हाँ दीदी पहले आप शुरू करें। हम? हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ कृष्णा